नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज एंटरटेनमेंट में। मोहन भागवत आज खुलकर बोले हैं मुसलमानों को लेकर, क्योंकि बहुत दिन हुए और बहुत बातें बाकी थी जिसको मोहन भागवत को उचित समय देखकर बोलना था, और आज मोहन भागवत ने वही किया है। बहुत कुछ अहम महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी आपके सामने ओनली न्यूज एंटरटेनमेंट आपके सामने वो बात रखेगा। बस आपसे अनुरोध है वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स अपनी राय दें, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में मुसलमानों को लेकर बात की और कहा कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि पाक ने दूसरे धर्मों को अधिकार नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी भारत में सारे मुसलमानों को एक कह सकते हैं कि उनके धर्म को लेकर इतना बचाव किया जा रहा, उनके धर्म को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा। लेकिन मोहन भागवत ने पाकिस्तान का भी नाम लिया है कि पाकिस्तान केवल मुसलमानों का ही बढ़ावा करता है और वहां पर हिंदुओं को मारता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको उनकी कुछ प्रमुख बातें जो आपको बता दें, मोहन भागवत की कई सारी बड़ी बातें, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे संतुष्ट हैं, पाकिस्तान ने दूसरे धर्मों को अधिकार नहीं दिए, जनता पर शासन करने वाला विदेशी धर्म भारत में ही है, मंदिर राष्ट्रीय मूल्यों और चरित्र का प्रतीक होते हैं। और वहीं पर पांचवी बड़ी बात मोहन भागवत ने बोली है, कौन किसे पूछता है, हिंदू का इससे लेना देना नहीं, धर्म जोड़ने वाला उत्थान करने वाला होना चाहिए, कट्टरता वो ही फैलाते हैं जिनके हित प्रभावित होते हैं, संविधान में नहीं कहा गया है केवल यहाँ हिंदू रह सकते हैं, भारतीयता पर सभी धर्मों के लोग साथ खड़े होते हैं, संस्कृति पर हमले के भी वक्त हम भी खड़े हुए हैं। आज जिस तरह से मोहन भागवत एक पत्रिका में इंटरव्यू देते समय ये बड़ी बातें बोली, उनकी बातें ज़रूर कुछ कड़वी हैं और कुछ मीठी हैं, लेकिन आज जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा है कि भारत ही ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों का सही तरीके से स्वागत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इस्लाम को ही बढ़ावा देता है, हिंदुओं को मारने और काटने का काम करता है। सत्यता क्या है आज मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिए, और आज इस वीडियो में जिस तरह सबने आपको दिखाया है इसमें साफ स्पष्ट शब्दों में साबित है कि मोहन भागवत ने राम मंदिर की भी बात की है। उन्होंने कहा कि मंदिर एकता का प्रतीक होता है, मंदिर तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहिए, और इन्हीं सब बातों के साथ आज मोहन भागवत लाइव आए और उन्होंने अपनी बात रखी। चलिए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और सच और सच्चाई क्या है वो दुनिया के सामने खुद ब खुद आ जाए। बने रहिए ओनली न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।